नमस्कार, ताल ठोक के मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। ताल ठोक के देख रहे हैं और आप जानते हैं कल रियाज नायकू को ठोका गया। जी हाँ, लेकिन कुछ लोगों के आंसू निकल रहे हैं, कुछ लोगों का कलेजा मुंह को आ गया, दिल पसीज रहा है, आंसू निकल रहे हैं। आतंकवादियों की हमदर्द गैंग, उन्हीं के खिलाफ आज हम ताल ठोकेंगे। किस तरह से हमदर्दी दिखाने की कोशिश की जा रही है उसकी बात करें, लेकिन ये देखिए ना, सेना की गाड़ी पर बैठे जवानों पर कैसे हमला हुआ उस ऑपरेशन के बाद। वहां पर सेना पर हमला हुआ, मतलब सेना पत्थर भी खाए, सेना ऑपरेशन भी करे, तो सारी चीजें हो ही रही हैं। ये तो सीधे पत्थरबाजी है, लेकिन कुछ लोग बौद्धिक पत्थरबाजी कैसे कर रहे हैं वो मैं एक बार आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। लेकिन ये तस्वीरें पहले आप देख रहे हैं किस तरह से सेना पर पत्थरबाजी हुई। वहां पर रियाज नायकू मारा गया और उसके बाद सेना को पत्थर खाने पड़े, सेना पत्थर भी खाए और आतंकवादियों को भी मारे। लेकिन आतंकवादियों से हमदर्दी कब तक, ये बड़ा सवाल है। देखिए कैसे आतंकवादियों का महिमा मंडन करने की कोशिश की जा रही है। रियाज नायकू होनहार मैथ्स टीचर मारा गया बेचारा, गरीब टेलर का लड़का मैथ्स टीचर। रॉयटर्स से लेकर तमाम अखबारों में क्या छप रहा है, मेरे पास कुछ अखबार की कटिंग है, इसमें देखिए क्या लिखा गया है। इसमें मैं आपको अगर थोड़ा सा जूम कर किया जाए कैमरे को, द सन ऑफ टेलर ऑफ बेगपुरा विलेज इन अवंतीपुरा इन साउथ कश्मीर, रियाज नायकू एक्वायर्ड अ डिग्री इन मैथमेटिक्स। मतलब वो उसने मैथमेटिक्स में डिग्री ले रखी थी, टेलर का बेटा था, होनहार लड़का था, छात्रों को लोकल स्कूल में ट्यूशन पढ़ाता था। एक अखबार नहीं है, दूसरा अखबार उठाइए, रियाज नायकू वेंट फ्रॉम बीइंग अ मैथ्स टीचर टू हिजबुल कमांडर। आतंकवादी शब्द तो भूल ही जाइए, आतंकवादी शब्द का तो इस्तेमाल ही नहीं किया जाएगा। तीसरा अखबार, अच्छा ये सिर्फ रियाज नायकू के साथ नहीं है, आपको याद होगा रियाज नायकू मरा तो महिमा मंडन, बुरहान वानी मरा तो कहा गया हेडमास्टर का होनहार लड़का मरा, जाकिर मूसा मरा तो कहा गया म्यूजिक लवर मूवी स्टार जिसको हेयर जेल शूज कपड़ों का बहुत शौक था। मतलब ये आतंकवादियों से ज्यादा खतरनाक ये सोच है क्या जो आतंकियों से हमदर्दी रखती है। मेरे साथ डॉक्टर संबित पात्रा, बीजेपी के राष्ट्रीय वक्ता, इसके अलावा एक बहुत बड़ा पैनल है मेरे साथ, मेरे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है जो कि फॉर्मर डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, मेरे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल ए के सिवाच है, रिटायर्ड मेजर जनरल विशंबर दयाल मेरे साथ है, सेना के बहुत सीनियर ऑफिसर्स आज मेरे साथ है, इसके अलावा माजिद हैदरी है, सैयद माजिद शाह मेरे साथ है, ललित अंबरदार भी है। सबसे पहले मैं आर्मी के लोगों से शुरू करूंगा, संबित मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन आज सेना का पक्ष जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले विशंबर दयाल, आप मुझे समझाइए, मुझे लगता है आतंकियों से ज्यादा खतरनाक आतंकियों के हमदर्द हैं जो कह रहे बेचारे मैथ्स टीचर को सेना ने मार दिया, होनहार मैथ्स टीचर था बेचारा नायकू। विशंबर दयाल, अभी तो ठीक लग रहा है, उसमें थोड़ा दिक्कत आ रहा। विशंबर दयाल, आपसे मेरा सवाल, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? गुरमीत सिंह जी, यही मेरा सवाल आपसे, आतंकवादियों से ज्यादा खतरनाक आतंकियों के हमदर्द। आपने बिल्कुल ठीक बताया है, ये पूरा रेडिकलाइजेशन के कारण है, ये इंफॉर्मेशन वॉर और साइकोलॉजिकल वॉर है। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए, जो टेररिस्ट बनता है वो अवश्य मारा जाएगा। हरेक टेररिस्ट की जो शेल्फ लाइफ होती है वो एक साल, दो साल, मैक्सिमम तीन साल होती है। और जो ये जो रियाज अहमद नायकू था, ये आठ साल तक सरवाइव किया है, कुछ कारण है, कई बार वो बचा भी है और इसके ऊपर में काफी ऑपरेशंस भी चलाए हैं, लेकिन इनकी चाल ज्यादा चलती नहीं है। और इसकी जो हरकतें थी, इसकी जो कार्रवाई थी, अगर आप देखें तो 2012 में इसने ज्वाइन किया था हिजबुल मुजाहिदीन को, ये उसी ग्रुप का है जहां बुरहान वानी और जाकिर मूसा और सबजार भट्ट वगैरह थे, और इसने कमांड संभाली थी एचएम की मई 2017 में। इसने तो मरना ही था, और जो इसके बाद बनेगा वो भी मरेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं होनी चाहिए। और ये जो मैं बोलूंगा, जो रेडिकलाइजेशन के साथ जो बात करते हैं, जो एक एजेंडा बायस और इंफॉर्मेशन और साइकोलॉजिकल वॉर करने की कोशिश करते हैं, इसमें कोई बल नहीं है। इनका जो झूठ प्रोपेगेंडा जो शुरू होता है पाकिस्तान आईएसआई, जब आज मैंने खबर पढ़ी, जब मैंने, मुझे भरोसा नहीं हुआ कि कोई, मतलब ये भारतीय अखबार है,
कई भारतीय राइटर्स हैं, कई भारतीय लेखक हैं, मुझे भरोसा हुआ ये पाकिस्तान ऐसा कर सकता है भाई। पाकिस्तान कहेगा कि भारतीय सेना का दमन। विशंबर दयाल आपसे मेरा सवाल है कि पाकिस्तान हो सकता कहे, ये भारतीय अखबार हैं, भारतीय लेखक हैं, रॉयटर्स में सब छप रहा है, लिखने वाले इंडियन हैं, ये मुझे लगता है ये रद्दी है सर। ये देखिए मैंने फाड़ दिया विशंबर दयाल, ये मैंने फाड़ दिया इस तरह से, ये रद्दी है मेरी नजर में, ये रद्दी है मेरी नजर में जो इस तरह से आतंकियों का महिमा मंडन करे। ठीक कह रहा हूं ना मैं विशंबर दयाल? एके सिवाच आपसे मेरा सवाल ये, मेरी आवाज मेरे ख्याल से उन तक पहुंच नहीं पड़ी है कनेक्शन। अमन एक ही बात है, ये बात बिल्कुल ठीक बोली जर्नल साहब ने कि ये गैमराइज कराया जा रहा है टेररिज्म को, और यही है, इसको ही तो रेडिकलाइजेशन बोलते हैं। जिस प्रकार से ये अखबारों ने छापा हुआ है, एक प्रकार एक आतंकवादी जो कि 8 साल से आतंकवाद फैला रहा था जम्मू एंड कश्मीर में, उसके हाथों में कई सिविलियंस और पुलिसमैन का खून है, और वो एक प्रकार से ऐसा जाल बिछा रखा था उसने साउथ कश्मीर में, उसने बहुत ज्यादा स्टूडेंट को रेडिकलाइज भी किया था। ये अलग बात है कि वो 8 साल तक जिंदा रह गया, वो किसी किस्मत थी उसकी, मगर एक बात बिल्कुल साफ है कि वो आतंकवादी था और आतंकवाद का गढ़ था, और साउथ कश्मीर में उसने बहुत ही आतंकवादी गतियों में काफी लोगों को, पुलिसमैन को और माइग्रेंट वर्कर को मारा है, और इसके साथ साथ इसने सोशल मीडिया में ये बहुत ज्यादा सेवी था, इसलिए इसके अंदर इसने बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को रेडिकलाइज भी किया है हिजबुल मुजाहिदीन में ज्वाइन करने के लिए, और किसी हद तक अभी TRF के लिए भी। तो एक प्रकार इसने तो मरना था, क्योंकि ये एक बात सच है कि जिसने एक बार बंदूक ले ली स्टेट के अगेंस्ट, उसकी लाइफ बहुत छोटी है, ज्यादा से ज्यादा 1-2 साल, ज्यादातर जो मिलिटेंट्स है वो 3-4 महीने में। आतंकवादियों को तो मरना है, आतंकवादी की मौत मरेगा, आतंकवादी आतंकवाद की मौत मरेगा, ये आंसू क्यों निकल रहे हैं कुछ लोगों के? कुछ लोगों को क्यों दर्द हो रहा है कि बेचारा हेडमास्टर का लड़का कभी मर जाता है, कभी मैथ्स टीचर मर जाता है, कभी जो है म्यूजिक लवर मूवी जिसको बहुत पसंद, संबित पात्रा ये सोच बताइए ना क्या है? मतलब मैं तो ये ताल ठोक के कह रहा हूं, या आप अखबार के टुकड़े देख रहे हैं मेरे हाथों में संबित? अब किसी के घर में ऐसा अखबार आता है जिसमें इस तरह की चीजें लिखी होती है ना, उसको फाड़ दीजिए। ये अखबार जो है, ये जो आतंकवादियों का महिमा मंडन कर रहे हैं ना, जो सेना पर सवाल उठा रहे हैं, जो कह रहे हैं हमारी सेना मानवाधिकार का उल्लंघन करती है, बेचारे आतंकवादी मजबूरी में हथियार उठा लेते हैं फिर मारे जाते हैं, संबित ऐसे तो अखबारों को रद्दी में फेंक देना चाहिए मेरे ख्याल से। संबित देखिए, अखबार तो बेजान कागज है, उनको तो आप रद्दी के डब्बे में फेंक देंगे, कूड़े के डब्बे में फेंक देंगे, मगर अखबारों के पीछे कलम जिनका है उनका क्या करेंगे? इसलिए उनको पहले एक्सपोज करते हैं। केवल ये रियाज नायकू का विषय नहीं, आप याद करिए कौन सा ऐसा आतंकवादी है जिसको बचाने की कोशिश नहीं की गई। इसको अंग्रेजी में कहते हैं रोमांटिसाइजिंग टेरर, मतलब ये जो लिखने वाले होते हैं ना, जिनके हाथ में कलम होता है, ये अपने आप को हीरोइन सोचते हैं और सोचते हैं इनका जो हीरो होगा वो एक इस्लामिस्ट जिहादिस्ट होगा और टेररिस्ट होगा, और वो फैंटासाइज करके ये सब लिखते हैं, इसको रोमांटिसाइजिंग टेरर कहते हैं। और याद है याकूब मेमन, जब याकूब मेमन को लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब जगह से फांसी हो गई, तो ये सारे जो रुदाली हीरोइन है जो छाती पीट पीट के आतंकवादियों के रोते हैं, ये सब रो रो के गए थे सुप्रीम कोर्ट रात को 3 बजे, हाय हाय हमारा याकूब मेमन मारा जाएगा, आप प्लीज कोर्ट खोलो, इसको बचाओ किसी भी कीमत पे। कोर्ट भी खुली थी फिर भी फांसी हो गई। तो अगले दिन हेडलाइन क्या आया, एंड दे हैंग्ड हिम बिकॉज ही वाज अ मुस्लिम। अब उसको महिमामंडित किया। अफजल गुरु का तो अभी तक कांड चल रहा है, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। फिर जो लोग ये बोलते हैं वो जाके बेगूसराय से चुनाव भी लड़ लेते हैं, वो जाके बड़े बड़े ओहदे पर भी बैठ जाते हैं। मतलब सोचिए ये जो रुदाली है ये कितना प्यार करते हैं इस्लामिस्ट जिहाद से, कितना इनका रोमांस है उस इन आतंकवादियों के प्रति। तीसरा आप देखिए अबू बकर अल बगदादी अभी अक्टूबर में मारा गया, फिर वो वॉशिंगटन पोस्ट विश्व का एक बड़ा अखबार है, उसने हेडलाइन क्या छापा, रिलीजियस स्कॉलर इज नो मोर विद अस। मतलब ऐसे बोला जैसे बेचारा अबू बगदादी जो था वो कितना बड़ा स्कॉलर था और रात को सोया हुआ था बेचारा पाठ वाठ करके, तो उसको हार्ट अटैक होया, वो चला गया बेचारा, गुजर गया, बम उसके ऊपर पड़ा, वो नहीं बोला। आज रॉयटर ने क्या लिखा है, रॉयटर ने लिखा है इंडियन ट्रूप्स
स्किल्स, मैथ्स टीचर टर्न्ड रिबेल कमांडर इन कश्मीर. पहली बात तो है, पहली बात तो है हिजबुल मुजाहिदीन यूएस डेजिग्नेटेड टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, कोई रिबेल ग्रुप नहीं है. दूसरी बात है मैथ्स टीचर टर्न्ड रिबेल क्या होता है भैया, ये तो आतंकवादी था क्या. ओसामा बिन लादेन को जब मारा गया था ओबामा के समय में, इसी ये रॉयटर लिख सकती थी कि यूएस फोर्सेस किल्ड सिविल इंजीनियर ओसामा बिन लादेन ऑन 2nd May 2011 इन अबोटाबाद रेड. नहीं, वो नहीं लिख सकती थी. उनके लिए एक मापदंड, हमारे लिए एक मापदंड. देखिए मैं अंत में कंक्लूड कर रहा हूं, शास्त्रों में भी कहा गया है जहां ये लेफ्ट दिमाग होगा ना, लेफ्टिस्ट, ये कम्युनिस्ट, आप जानते हैं कम्युनिस्ट के विषय में संस्कृत क्या कहती है, कौम अनिष्ट करोति इति कम्युनिस्ट. नहीं, जब शार्लिया तो अनिष्ट नहीं, शार्लिया तो होता है. नहीं नहीं समित, एक मिनट, आप ही बोलिए समित, आप ही बोलिए. जब शार्ली एब्दो होता है तब जस्टिफाई हो जाता है टेररिज्म. सुनिए ना, ये विरोधाभास है. हाँ, पहले आप लोग शास्त्रों की युग से कम्युनिस्टों के लिए क्या कहा गया है, आज मैं संस्कृत में बता देता हूं, इसको सब लोग याद रख ले. कौम अनिष्ट करोति इति कम्युनिस्ट, जो कौम का अत्यंत अनिष्ट करता है, पूरे कौम को ध्वंस कर देता है, उसको कम्युनिस्ट कहा जाता है. उनसे हमेशा 4 गज दूर, 2 गज तो कोरोना में रहना है और 2 गज कम्युनिस्ट से, मतलब 4 गज दूर रहना है. चार्ली हेब्डो में हमारे 2 पत्रकार थे, बड़े बड़े पत्रकार, बड़े घर, हस्बैंड वाइफ है, वो आके कह रहे थे कि हाँ अगर ऐसे कहा जाएगा, ऐसे कार्टून बनाया जाएगा तो थोड़ी छोड़ा जाएगा, फिर तो ये जंग चलेगा. कमलेश तिवारी का सर कट गया तो उसको भी डिफेंड कर रहे थे बैठ के. विशंबर दयाल तो ये मतलब टेररिज्म से ज्यादा खतरनाक तो ये व्हाइट कॉलर टेररिज्म हो गया ना. विशंबर दयाल जो हो रहा है, जो दिख रहा है, आतंकियों की हमदर्द गैंग, और मकसद क्या है, मुझे तो ये समझाइए मकसद क्या है, मकसद बताइए मेरे को. देखिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो लोग परसेप्शन मैनेजमेंट करते हैं, टेररिज्म का जो परसेप्शन मैनेजमेंट करते हैं, वो परसेप्शन मैनेजमेंट बहुत घातक है. जो प्रोपेगेंडा करते हैं, जो उस प्रोपेगेंडा को सपोर्ट करते हैं, आज पाकिस्तान और ISI की पूरी मुहिम है कि किसी ना किसी तरह से इस समर के अंदर वापस अपनी रिकवरी करें जम्मू एंड कश्मीर में, खासकर वैली में, कश्मीर घाटी में. वो चाहते हैं कि किसी तरह दुनिया को दिखाएं कि कश्मीर में शांति नहीं है, कश्मीर में उग्रवाद है, कश्मीर में होम ग्रोन रेजिस्टेंस है. वो ये चाहते हैं, वो ये कर रहे हैं उसका प्रोपेगेंडा. अगर आप इस किसी भी इसमें खेलते हो, अगर आप किसी भी इसका पार्ट बन जाते हो, तो आप उस प्रोपेगेंडा को सपोर्ट कर रहे हो, आज मजबूत कर रहे हो. तो जो भी कोई इसको मजबूत कर रहा है, जो भी कोई इसको ब्रीदिंग स्पेस दे रहा है, वो ज्यादा डेंजरस है. यही तो ओवरग्राउंड वर्कर्स का डेंजर था. यही पिछले 30 साल से पूरी जम्मू एंड कश्मीर की जितनी भी मिलिटेंसी है उसका दुख भरा, सबसे बड़ा दुख भरा तो मुद्दा यही है. भारतीय सेना जम्मू एंड कश्मीर के नागरिकों को बचाने के लिए श्रीनगर में डिप्लॉय हुई थी. आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट जब लगाया गया था, जब हमारे नागरिकों को लूटा जाता था, ये मेरे साथ 2 बड़े सीनियर इन्फेंट्री ऑफिसर्स हैं, वहां लोगों का क्या होता था हाल ये बता सकते हैं कि वहां उनको घरों में घुसते थे मिलिटेंट, सब कुछ करते थे, ब्लैकमेल करते थे, बहनों को टॉर्चर करते थे, सब कुछ करते थे जो इस दुनिया में अय्याशी वो करते थे, मारते थे. मतलब हम उन जब सब कहते हैं, और जो हिंदू न्यूज कहता है, सबको पता है, मतलब विशंबर दयाल जब बचाने के लिए सेना गई थी, लेकिन जब जी न्यूज कहता है टुकड़े टुकड़े गैंग, जब जी न्यूज कहता है पाक प्रेमी गैंग, जब जी न्यूज कहता है राष्ट्र विरोधी गैंग, एंटी नेशनल गैंग, इसका मतलब ये लोग एग्जिस्ट करते हैं. इसका मतलब ये लोग एग्जिस्ट करते हैं, पाक प्रेमी गैंग, एंटी नेशनल गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग, ये लोग एग्जिस्ट करते हैं. जब आतंकवादी मरता है तो इनके आंसू निकलते हैं, आंसू बौद्धिक आंसू भी हैं, वैसे भी आंसू निकलते हैं, बाटला पर भी आंसू निकले थे और ये वाले आंसू भी हैं. माजिद हैदरी, सेना का मानवाधिकार नहीं होता क्या? 8 जवान हमारे सेना के, आपकी सेना के, भारतीय सेना के शहीद हुए, किसी के आंसू नहीं निकले माजिद हैदरी? तब ये कहां छुप जाते हैं माजिद हैदरी? देखें चोपड़ा साहब 3.5 मिनट आदरणीय संबित पात्रा जी ने तकरीर की, मुझे 1 मिनट तो भी दीजिएगा बात करने को. देखिए सबसे पहले, क्योंकि बात है कि इसको बार बार कहा जा रहा है मैथ्स टीचर, आपने भी काफी दफा कहा, आदरणीय संबित पात्रा जी ने भी कहा, तो मैं 2 पंक्तियों से शुरू करूंगा और ये 2 पंक्तियां मैं समर्पित करता हूं आदरणीय संबित पात्रा जी को, कि जो सोचें जो चाहें वो करके दिखा दें. आदरणीय संबित पात्रा जी वो हैं जो 2 और 2 5 बना दें. अब ये मैंने इसलिए कहा कि 2 और 2 5 बना दें संबित पात्रा जी, क्योंकि ये लोग नहीं बता रहे भाजपा वाले कि असली में समर्थक कौन करता है आतंकियों का.
मैं आपको याद दिला दूं, देश को याद दिला दूं कि जो सबसे बड़ा आतंकी इस देश में था अजहर मसूद, उसको भाजपा की सरकार ने जहाज में पूरे स्टेट स्टेटस के साथ उसको ले गए अफगानिस्तान। अभी जो तारिक अहमद मीर जो कश्मीर में पकड़ा गया आतंकी, वो भाजपा का आदमी था। उसके बाद दविंदर सिंह जो डीएसपी जो पकड़ा गया, वो भी भाजपा का आदमी। तो भाजपा पहले बता दे कि भाजपा का आतंकियों के साथ क्या कंटैक्ट है, क्या समर्थन है, क्योंकि जो हमारे को अभी तक लग रहा है कि भाजपा की कुछ फिक्स्ड मैच है आतंकियों के साथ, जो कुछ हमारे सेना कर्मी माने जा रहे हैं या सिविलियन मारे जा रहे हैं या कि कोई और बेचारा भाई मारा जा रहा है कश्मीर में, ये सारा जो चाल है ये संबित पात्रा जी बता दे देश को कि चाल क्या है। सेना कर्मी मारे नहीं जाते, साध्वी प्रज्ञा हो या तारिक मीर हो, ये सारे आतंकी भाजपा में नहीं जाते। करेक्ट योर सेल्फ, सेना कर्मी शहीद होते हैं, साध्वी प्रज्ञा तो मारी नहीं गई ना, वो तो आज सेना शहीद होती है, उसने खुद कहा सेना के जवान शहीद होते हैं, मारे नहीं जाते। तो आज संबित पात्रा जी बता दे देश को, करेक्ट योर सेल्फ, से सॉरी, सेना शहीद होती है। चलिए मैं आपकी बात ही मानता हूँ, ठीक है, मानिए भारतीय है ना, मैंने करेक्ट कर लिया, मैंने करेक्ट कर लिया, हाँ। मगर अब संबित पात्रा जी बता दें देश को हकीकत क्या है। ठीक है, संबित, 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 मैंने मान लिया ना, मैं तो कह रहा हूँ ठीक, आगे से भी ध्यान रखिएगा, मान लिया, शहीद होते हैं सेना के जवान, मगर संबित पात्रा जी तो बता दे देश को भाजपा का क्या आतंक के साथ कॉन्टैक्ट है। ठीक हाँ, है ना, भाजपा का आतंक के साथ यह कॉन्ट्रैक्ट है कि जहां भी आतंक दिखेगा उसको भाजपा समाप्त कर देगी, यही कॉन्ट्रैक्ट, आतंक को समाप्त करने का कॉन्ट्रैक्ट है। वैसे तो अमन भाई, जिन लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और जो तर्क का कुतर्क करते हैं, उनके साथ कभी भी विचार विमर्श या डिबेट नहीं करना चाहिए, इससे बहुत आघात पहुंचता है, हृदय की गति भी धीमी हो जाती है और मानसिक संतुलन बिगड़ने का डर होता है। इस कारण से ऐसे लोगों से मैं बहुत दूर रहता हूं और तथ्यात्मक बातें करता हूं। अब आ जाइए कश्मीर के ऊपर और जो मुद्दे पे बात कर रहे हैं, हम लोग तो शराब पीते नहीं है, मैं मुसलमान शराब पीते नहीं है, आपका तो टेस्ट करना पड़ेगा, मैं तो शराब पी के आया नहीं, मैं तो रोजे से हूं, आपका चेक करना पड़ेगा। आप बता दें अपना, आप होश में बात कर रहे हैं कि नहीं, आपने तो देश को टून कर दिया हुआ इस वक्त, आधा देश टूने के दारू खरीदो जीडीपी बनाओ, चलिए काम करते हैं, दारू खरीदो। सवाल मेरा आपसे अब आगे बढ़ेगा, अब बहुत बढ़िया किया ना ये फैसला, आतंकियों को जो ग्लैमराइज किया जाता था, आतंकियों के शव ही नहीं सौंपे जाएंगे परिवारों को, बढ़िया बढ़िया फैसला है ना, आतंकियों के शव ही नहीं सौंपे जाएंगे परिवारों को, फिर ग्लैमराइज ही नहीं हो पाएंगे वो लोग, ये बढ़िया फैसला है ना माजिद हैदरी। आतंकी ग्लैमराइज तब होता है जब साध्वी प्रज्ञा को टिकट मिलती है इलेक्शन लड़ने की, नायकू उससे ज्यादा क्या आप रियाज नायकू के खिलाफ आप भी नहीं बोलते हैं क्या, आप भी ट्यूशन लेते थे क्या रियाज नायकू से मैथ्स की, मैं पूछ रहा हूँ आप भी मैथ्स की ट्यूशन लेते हैं क्या रियाज नायकू से, मैं क्या पूछ रहा हूँ कहाँ पहुँच जाते हैं रियाज नायकू आपका प्यारा मैथ्स टीचर, आप भी ट्यूशन लेते थे क्या उससे, क्या हेमंत आप बढ़िया ना, आतंकियों की लाश ही नहीं सौंपी जाएगी, ना होगा ग्लैमराइज, ना होगा जनाजा, ना बनेंगे आतंकी, बोलिए बढ़िया फैसला है, हेमंत करकरे शहीद नहीं थे, कहाँ पहुंच जाते हैं आप मेरे ख्याल से, सवाल नहीं सुनते हैं क्या, सवाल नहीं सुनते हैं क्या, ये इतना करीबी रिश्ता था, डिस्टर्ब हो गया, मैथ्स टीचर मारा गया, इंसानियत के खिलाफ है, लितंबरदार नहीं वो गलत है, देखिए ऐसा है, आपको समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि हिंदुस्तान के सामने कश्मीर, लितंबरदार जी जी, आपको समझना, क्या कनेक्शन होता है इन लोगों का, मैं बताता हूँ सर, मैं बताता हूँ आपको, हाँ। पूरा समझना पड़ेगा कि हिंदुस्तान के चैलेंजेस कश्मीर में क्या, कश्मीर जहाद है और विश्व भर में ये जो लेफ्ट लिबरल और सेक्युलर ताकतें हैं, इनका इस्लामाबाद के साथ बहुत अच्छा गठजोड़ है, ये आपको मानना पड़ेगा, चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो या इंडिया में हो, ये जो सारे आपने जिन प्रेस रिलीज की बात की, इनके मैं बता रहा हूँ दिल्ली के अंदर बैठे हुए सर, दिल्ली के अंदर बैठे हुए चैनल्स, जिन कश्मीरी दहशत गर्दों ने कश्मीरी हिंदू का नरसंहार किया, रेप किया, मर्डर किया, मास मर्डर किया, वो दिल्ली की चैनल में बैठ के उनको साहिब बोलते थे, साहिब बोलते थे, जिनको 30 साल पहले फांसी होनी चाहिए थी, क्यों, क्योंकि ये जज्बा है इनका, और जब से नरेंद्र मोदी आ गया उनकी नफरत तो और बढ़ गई, इतनी इस हद तक बढ़ गई कि हिंदुस्तान से नफरत हो गई है उनको, तो आपको समझने पड़ेगा ये बहुत बड़ा, आईएसआई की बात कर रहा हूं मैं, आज की तारीख में दुनिया में सबसे बड़ी एस्पिनाज एजेंसी और सबसे सक्सेसफुल एस्पिनाज एजेंसी जो है वो आईएसआई है, आप याद रखिएगा, ये सब कुछ जो दिल्ली से हो रहा है वो सारा प्रोपेगेंडा दिल्ली से ओरिजिनेट होता है, ये सारा नेक्सस है क्यों हिंदुस्तान को बर्बाद करने का, आप समझ सकते हैं आज की तारीख में, जब बुरहान वानी की बात कर रहे थे आप हेडमास्टर के, नहीं नहीं सुनिए, हेडमास्टर के बेटे की बात कर रहे थे ना, हेडमास्टर का बेटा जब मरने से पहले दिल्ली की एक बहुत बड़ी पत्रकार उसको वीडियो इंटरव्यू लेने गई और कहा कि तुम्हारा बेटा मर सकता है, तुम्हें तकलीफ नहीं, उसने बोला कि मेरा बेटा मैंने अल्लाह के नाम कर दिया है, मुझे कोई डर नहीं,
और जब वो बुरहान वानी मारा गया, वही पत्रकार फिर उसी हेडमास्टर के पास गया इंटरव्यू लेने के लिए कि तुम्हें तकलीफ हो रही है, तुम्हें दुख हो रहा होगा। बोला नहीं, मैंने तो अल्लाह के नाम कर दिया था उसको। आपको समझना पड़ेगा कश्मीर की दहशतगर्दी इस्लाम के नाम पे है, मजहब के नाम पे है। वहां पे मरने और मारने में रूहानी सुकून मिलता है, इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि वहां पे जाकिर मूसा और ये जो कल जो नायक को मारा गया वो पीएचडी करके क्या हुआ। जब हम लोग वहां पे थे कश्मीर में, एक बहुत बड़ा कार्डियोलॉजिस्ट था, डॉक्टर गुरु, बहुत बड़ा कार्डियोलॉजिस्ट था, ऐसा दहशतगर्द ऐसा प्रसक्तवादी बन गया था, उसके अपने पेशेंट हिंदू पेशेंट उसके पास जाने से डरते थे। ये है कश्मीर में। और अमेरिका में अनवर अलवाकी, अमेरिका में पैदा हुआ स्कॉलर, सोमालिया का रहने वाला, अमेरिकन, पहली बार अमेरिकी हिस्ट्री में हुआ है, उन्होंने उसको सोमालिया में जाके ड्रोन से मार दिया। और हमें वो डिक्टेट करते हैं कि क्या कर रहे हैं। और कश्मीर जहाद क्या है? ए कश्मीर के मुसलमानों, हिंदुस्तान से आजादी का मतलब अल जहाद, अल जहाद। पाकिस्तान से रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये जो आपके बैठे हुए पैनल के ऊपर, ये तो स्लीपर सेल हुए ना। मैं अगर इनको एक टर्म में, अगर मैं इनको, अगर सैयद माजिद शाह कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं तो ये तो कश्मीरियों के असल दुश्मन है। मतलब मैं अगर इसको एक शब्द में इनको डिफाइन कर पाऊं, ये स्लीपर सेल्स हुए ना। ये तो पाकिस्तान आईएसआई आतंकवाद के स्लीपर सेल हुए, जो ग्लैमराइज करेंगे टेररिस्ट को। स्लीपर सेल, ठीक कह रहा हूं ना मैं माजिद शाह? देखिए चोपड़ा साहब, मैं आपके जो आपने सबसे पहले न्यूज पर अपनी प्रोग्राम के शुरुआत में आपने जो आज के न्यूज़पेपर की जो आपने कटिंग पढ़ी है आज की, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आप ये चीज देखें कि कोई शक की बात नहीं है, जब आतंकवादी एक बंदूक उठाता है उसको पहले दिन से मालूम होता है कि मेरा अंजाम क्या होगा। लेकिन हमें बैकड्रॉप में ये भी सोचना चाहिए कि आखिरकार क्या वजूहत रही, आखिर क्या ऐसा रीजन रहा कि अपने ही मुल्क के खिलाफ अगर ऐसे हथियार उठाने, बंदूक उठाने की वजह बताने आए हैं। अच्छा, फिर कश्मीरी पंडितों ने बंदूक क्यों नहीं उठाई? उनसे बड़ा नरसंहार किस पर हुआ? तो फिर कश्मीरी पंडितों ने बंदूक क्यों नहीं उठाई? सबसे बड़ा नरसंहार तो कश्मीरी पंडितों का हुआ, बंदूक उठाने की वजह यही। अगर मजबूरी में बंदूक उठा के आपके सर पर रख देगा तब भी यही कहेंगे बेचारे ने मजबूरी में बंदूक उठाई होगी, इसकी गलती थोड़ी ना। ये तो देखना पड़ेगा ना, हमें उस रीजन को भी तो देखना पड़ेगा। माजिद शाह, ये जब बंदूक लेकर आपकी कनपट्टी पे रखेंगे तब भी आप यही कहेंगे। हमेशा से एक बात मानता हूँ, गुफ्तगू करना चाहता हूँ, मगर मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि हमें ये चीज देखनी पड़ेगी, इनकी नजर दिल्ली के लाल किले पे है कि ये वजह क्या हुई है आखिरकार इतना। समझता रहा हूँ, आप ही बोलेंगे उनके बाद। ठीक है माजिद, ये लोग नहीं समझेंगे जब तक इनके घर तक नहीं पहुंचेंगे ना आतंकी, तब तक इनको लगेगा बेचारे ने मजबूरी में बंदूक उठा ली ना। आप समझते हो? अब एक मिनट ललित भाई, एक मिनट करके बोलेंगे। संबित पात्रा, ऑडियो बंद तो नहीं, सुनिए शाह साहब आराम से पत्थरबाजी बंद कर दीजिए। देखिए एक तो अमन भाई आप क्या कह रहे हैं कि इनके घर तक आतंकवादी नहीं पहुंचेंगे, अरे ये तो ढाल है उनकी, इनके घर तक क्या पहुंचेंगे, इनके घर से ही निकलते हैं, पहुंचना नहीं है, ये हमारे घर तक पहुंचते हैं। दूसरी बात ये क्या, ये हमेशा एक्सक्यूज ढूंढते हैं कि क्यों पत्थर फेंका, क्यों बंदूक उठाया। पहली बात है, आपने बिल्कुल सही कहा, अगर यहां ललित अंबरदार बैठे हुए, कश्मीरी 4 लाख कश्मीरी पंडितों को रातों रात घर से भगा दिया गया, और जो नारे लगे थे कश्मीरी में, आपको ललित अंबरदार साहब बताएंगे कि आपने, और एक मिनट ये पत्थरबाजी बंद कराइए जरा इनको, बीच में इनको सुन लीजिए। आप ललित अंबरदार जी से पूछिए किस प्रकार के नारे उस समय मस्जिद से लगे थे। नारे लगे थे अपनी औरतों को यहाँ छोड़ के जाओ और आदमी यहाँ से चले जाओ। आपके पास केवल 3 ऑप्शन है, या तो कन्वर्ट हो जाओ, या तो मारे जाओ, या तो चले जाओ, कोई चौथा ऑप्शन नहीं था। ये सारे नारे लगे थे, एक भी कश्मीरी पंडित ने तो पत्थरबाजी नहीं की। अगर पत्थरबाजी सही होता तो कश्मीरी पंडित को तो माउंट एवरेस्ट उठा लेना चाहिए था। एक भी कश्मीरी पंडित ने तो बंदूक नहीं उठा लिया, किसी को भून नहीं डाला, आतंकवाद नहीं किया। अब मैं शाह साहब से गुफ्तगू करते हुए सवाल पूछता हूँ। शाह साहब, आपने कहा कि कोई तो कारण होगा जो पत्थर उठा लिया होगा, मैं आपसे पूछता हूँ क्या कारण है? अनएम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट नहीं है, स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, पानी नहीं आ रहा है, बिजली नहीं है, सड़क की कमी है, क्या कारण है आपके हिसाब से? क्या कारण है बंदूक उठाने का? मुझे इसका जवाब दीजिए, बिल्कुल अपने दिल पे हाथ रख के जवाब दीजिए। यहाँ हर एक मल्टी फैक्टर का एक रीजन है, मेरा मानना ये है यहाँ पे मल्टी फैक्टर्स जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। फैक्टर्स बताइए ना, 1, 2, 3, 4, 5 फैक्टर जो है
ये वजह जो है संबित जी मुझसे पूछने से अच्छा है, आज यहाँ पे हमारी मल्टीपल एजेंसीज जो है कश्मीर में काम कर रही है उनसे ढूंढवाने की कोशिश करें कि क्या वजह रही है, कैसा हो रहा है, कश्मीर के अंदर ऐसे बन रहा है। अच्छा, पानी घर में नहीं आ रहा है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, स्कूल में बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, लेक्चर नहीं है, मैं बताता हूँ क्या है। हाँ माजिद हैदरी बता रहे हैं, वो जानते हैं करीब से मेरे ख्याल से। माजिद हैदरी, डॉक्टर पात्रा साहब, आदरणीय डॉक्टर पात्रा जी, 9 महीने हो गए हैं आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किए, जो भ्रष्टाचार रिकॉर्ड बीट हो रहा है ना कश्मीर में आपकी सप्ताह में, नई दिल्ली की सप्ताह में, इतना कब्जी अब्दुल्ला और मुफ्तियों ने नहीं किया था, जो भ्रष्टाचार आप लोग इस वक्त करा रहे हैं। 70 साल से कश्मीर भ्रष्टाचार का गुलाम था, लेकिन इस वक्त जो आपने 9 महीने में किया, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री खाने दूंगा और कश्मीर में आप मतलब ये खाऊंगा ना खाने दूंगा के कारण बंदूक उठा लिया, ये जो स्लोगन था खाऊंगा ना खाने दूंगा इसके कारण बंदूक उठाया। पढ़े लिखे आदमी है आप तो मैथ्स टीचर नहीं है। आपने कश्मीरियों को कभी हिंदुस्तानी माना ही नहीं क्योंकि हम कश्मीरी मुसलमान हैं। आप तो किसी मुसलमान को हिंदुस्तानी मानते ही नहीं है। आप तो हर पेड़ में आके बोलते हैं भाई पहले तो बोलो हिंदुस्तानी होके नहीं हो, पहले बोलो भारत माता की जय, पहले बोलो वंदे मातरम। तो इसलिए इस डिबेट को देख के बंदूक उठा लिया, ये कारण है। क्या कारण? भ्रष्टाचार डिबेट। मैं तो कहूंगा नहीं भारत माता की जय, मैं कभी नहीं कहूंगा। आप मत कहिए, मैं आपको चाहता भी नहीं कहूंगा भारत माता की जय। नहीं मैं पूछ नहीं रहा हूँ आपसे, पाकिस्तानी माँ की जय नहीं कहूंगा, पाकिस्तानी माता की जय कहेंगे। मैं आपसे पूछ ही नहीं रहा हूँ, आपसे पूछ ही नहीं रहा हूँ, आप भारत माता की जय, आप पाकिस्तान की जय कहने वाले हैं मेरे ख्याल से। भारत माता की जय कहने में आपको दिक्कत है? क्या दिक्कत है भारत माता की जय कहने में? माजिद हैदरी, पाकिस्तान की जय कहेंगे आप? पाकिस्तान की जय कहेंगे आप? क्या कारण था बंदूक उठाने का? बंदूक क्यों उठाया ये तो बता नहीं पा रहे हैं। भारत माता संविधान का हिस्सा नहीं है। आप मुझे संविधान से कुछ बोले, छोड़ दीजिए, ये माँ का सम्मान करना चाहते ही नहीं है, छोड़ दीजिए, ये माँ का सम्मान कर ही नहीं सकते हैं। आप खाली बताइए बंदूक क्यों उठाया? क्या बंदूक क्यों उठाया? माजिद हैदरी मैं आ सकता हूँ। आप जस्टिफाई कर रहे हैं ना टेररिज्म को, मतलब आप भी क्या उठाने ही वाले थे, रख दिए एकदम से, ऐसा था क्या माजिद हैदरी? मत जस्टिफाई कर रहे हैं टेररिज्म को बंदूक उठाने का? मैं आ सकता हूँ सर, एक मिनट ललित अमरदार, टेररिज्म की आप जस्टिफाई कर रहे हैं टेररिज्म को माजिद हैदरी? बंदूक उठा ली मजबूरी में, और कश्मीर में टेररिज्म नहीं है, कश्मीर में मिलिटेंसी, आप पहले समझिए टेररिज्म और मिलिटेंसी में क्या फर्क होता है। ये रियाज नाइकू, ये इनके लिए भी मेरे ख्याल से रेबल बागी घुसपैठिया था ना, मिलिटेंट आतंकवादी रियाज नाइकू, आतंकवादी रियाज नाइकू। माजिद हैदरी समझ आ रहा है? आतंकवादी कोई आतंकवादी नहीं है ना रियाज नाइकू, फिर आपके लिए आपका भाई है बागी भाई, मिलिटेंट मिलिटेंट तो टेररिज्म का। आप मुझे फर्क समझा रहे हैं? आप फर्क समझिए, आप फर्क समझिए, बागी मिलिटेंट या आतंकवादी भाई है? मेरे लिए दोनों भाई हैं। ललित अंबा मेरे लिए वो भी भाई है, रियाज नाइकू भी भाई है, आपका भाई है रियाज नाइकू, आतंकवादी रियाज नाइकू आपका भाई है। ये देखिए आतंकवादी, तो फिर तो मेरे लिए आप आतंकवादी हैं, मेरे लिए आप आतंकवादी हैं। माजिद हैदरी यू आर ए टेररिस्ट देन, अगर आपके लिए आतंकवादी आपका भाई है, जिस वो आतंकवादी जिसने वो आतंकवादी जिसने मेरे भारतीय सेना के जवानों को शहीद किया, देन यू आर अ टेररिस्ट, देन यू आर अ टेररिस्ट। समान मौलाना साद आप आतंकवादी हैं फिर? ना ना माजिद हैदरी यू आर अ टेररिस्ट देन, कौन सा मुसलमान आप आतंकवादी से कम नहीं है? अगर अगर रियाज नाइकू आपका भाई है, हाफिज सईद आपका चचा जान है, हाफिज सईद आपका चचा जान है, आप अपने शब्द हाफिज सईद नहीं, मैं वापस नहीं लूंगा, हाफिज सईद आपका चचा जान है, मसूद अजहर आपका दूर का भाई है, दाऊद इब्राहिम ये सारे आपके रिलेशन में है क्या? रियाज नाइकू आतंकवादी आपका भाई है, देन यू आर नो लेस देन अ टेररिस्ट, देन यू आर लोस का भाई है, आप आतंकवादी से कम नहीं है फिर? पात्रा का भाई, मेरे लिए आप आतंकवादी से कम नहीं है माजिद हैदरी। अगर आतंकवादी आपका भाई है तो फिर आप आतंकवादी से कम नहीं है। देखिए मैं डिबेट, हाफिज सईद आपका चचा जान है, अरे धमकी किसको दे रहे हैं माजिद हैदरी? सॉरी मैं डिबेट में, हाफिज सईद आपका चचा जान है, धमकी कहा है
आपने एक भारतीय को आतंकी कहा, नाइस डिबेट, आपने आतंकवादी को भाई कह दिया, नाइस डिबेट में नहीं रहे आपने, आता भागेंगे, भागिए आप, जाइए, बढ़िया है, जो आतंकवादी को भाई कहेगा वो भारतीय न्यूज चैनल पर नहीं बैठ पाएगा। माजिद हैदरी, मुझे नहीं पता था आतंकवादी रियाज नायकू आपका भाई है, हाफिज सईद उनका चाचा जान होगा, संबित पात्रा, हाफिज सईद इनका चाचा जान होगा मेरे ख्याल से। देखिए एक आपको समझना होगा ललित अंबरदार जी, हाँ मैं सिर्फ 30 सेकंड लेता हूँ। एक बात तो यहाँ पर सब लोग बैठे हुए हैं, कश्मीर की जनता भी देख रही है, मैं बधाई देता हूँ यहाँ आर्मी के बड़े बड़े अफसर बैठे हुए हैं कि कल इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, उस ऑपरेशन में एक भी कोलैटरल डैमेज नहीं हुआ, एक भी सिविलियन को एक खरोच तक नहीं आया, ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है, मतलब भारत की सरकार कश्मीरी नौजवानों को, कश्मीर के जो जनता है उनका कितना सम्मान करती है। हंदवाड़ा में जो हमारे 4 आर्मी के बड़े अफसर, 2 और लांस नायक और सब इंस्पेक्टर, उनका शहीद ही हुआ, वो शहीद हो गया। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वहां वो ओपन फायर नहीं कर सकते थे, अगर वो ओपन फायर करते तो सिविलियंस को चोट आती, इसलिए उन्होंने गोली झेल लिया मगर सिविलियंस के ऊपर किसी प्रकार का आंच नहीं आने दिया। ये हमारी आर्मी है, कोलैटरल डैमेज कभी नहीं होती। मगर दूसरी बड़ी बात है, देखिए ये पुलित्जर अवार्ड 2 दिन पहले मिला है, पुलित्जर अवार्ड में जिन लोगों को सम्मानित किया गया वो लोग थे जो जो पाकिस्तान के लाइन को टो करते थे, जो मान रहे हैं कि कश्मीर एक कॉन्टेस्टेड टेरिटरी है, जो मान रहे हैं कि कश्मीर के इंडिपेंडेंस को भारत ने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करके छीन लिया है, उसे रिवोक कर दिया है, ऐसे लोगों का महिमा मंडल और उसके ऊपर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का उनको एक तरह से बधाई संदेश देना, ये बहुत वर्षों से, याद करिए पहले एक फोटो होता था यासीन मलिक को बुला करके फेलिसिटेट करते थे मनमोहन सिंह, तो ये जाते जाते ही लोगों की पॉलिटिकल बैकिंग मिलती है इसलिए भी इनकी हिम्मत बढ़ती है, पॉलिटिकल बैकिंग मिलती है इसलिए भी इनकी हिम्मत बढ़ती है। विश्व अंबरदयाल पहले, उसके बाद ललित अंबरदार, थोड़ा सा और 30 सेकंड और ललित अंबरदार रिक्वेस्ट है, पहले विश्व अंबरदयाल। देखिए अमन, मैं 2-3 चीजें बताना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि एक बहुत गलत नैरेटिव सेट कर दिया वो जो भी बोल रहे थे। जम्मू एंड कश्मीर में एडमिनिस्ट्रेटिव जो पॉइंट है आज के दिन, वो करप्शन की जो बकवास कर रहे थे, आपको ये रिकॉर्ड स्टेट करना पड़ेगा क्योंकि लोग सुन रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर में आज भारत पिछले 55 दिनों से कोविड-19 से अफेक्टेड है। जम्मू एंड कश्मीर अर्ली स्टेट था, आप रिकॉर्ड देखिए अपना, अर्ली स्टेट जम्मू एंड कश्मीर था, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में जिस तरह से टेस्टिंग की है, जिस तरह से कंट्रोल किया है, जिस तरह से सिर्फ 581 केसेस हैं, आप अक्रॉस लाइन देख लीजिए ना पाकिस्तान में, एक उतने ही एरिया को, उतनी पॉपुलेशन को पाकिस्तान में कंपेयर कर लीजिएगा। इसलिए यह कह देना कि वहां ये है, पहले तो उस रिकॉर्ड को स्टेट करो, बिकॉज लोग सुन रहे हैं आपको, एक नैरेटिव है। दूसरा सबसे बड़ा एक नैरेटिव है जिसको हम सब नजरअंदाज कर रहे हैं, वो ये नैरेटिव है कि पाकिस्तान और ISI बिल्कुल तड़प रही है, कोई भी इसको किसी किस्म की भी, किसी भी उग्रवादी को, कोई भी किसी को शह देना, और ग्राउंड वर्कर को, किसी किस्म का, किसी पॉलिटिकल पार्टी का, मैं समझता हूं वो भारत के लिए आज के दिन सबसे बड़ा डेट्रिमेंटल होगा, क्योंकि पाकिस्तान और ISI पाकिस्तान का डीप स्टेट लास्ट पिच बैटल लड़ेगा मेरे साथ, जो ये और मेरे फौजी भाई है, देवी लड़की इस समर में वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर रेजिस्टेंस है, उनके पास क्योंकि कुछ पार्टी के बड़े नेताओं की तरफ से जब कश्मीर को विवादित बताए जाने की बातों को लेकर इनाम और पुरस्कार मिलता है तो उनको जो बढ़ावा दिया जाता है पॉलिटिकल बैकिंग, उसके बाद ये तस्वीरें हम देखते हैं ना, ये जो तस्वीरें हम देखते हैं उसी के बाद देखते हैं, तभी तो सेना पर हमले बढ़ते हैं, इन लोगों का मोरल बढ़ता है क्योंकि पॉलिटिकल बैकिंग होती है। जो सेना की गाड़ी में तोड़फोड़ की तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं, ये पॉलिटिकल बैकिंग तो होती है ना, जिसका भी जिक्र संबित ने किया, पुलित्जर अवार्ड मिलता, जो तस्वीरें थी वो आप भी जानते हैं क्या तस्वीरें थी, मैं भी एंटी इंडिया तस्वीरें, पॉलिटिकल बैकिंग होती है ना, वो तो आप भी जानते हैं। इसका इलाज तो संबित जी के पास है ना, मेरे पास नहीं है ना, नहीं होती तो है ना, ये इलाज मेरे से होती तो है ना, ये और मैं आपको पिछले 1-1.5 साल से कह रहा हूँ कि इसका इलाज कीजिए ना। देखिए मैं आपको आप मेरे से यही सवाल करते हो और यही पूछना चाहते हो, और मैं आपसे एक ही सवाल कह रहा हूँ, एक ही दरखास्त कर रहा हूँ, पिछले 1 साल 2 महीने हो गए जब से, मतलब वो इंडिया गेट से यही कह रहा हूँ कि इनका इलाज तो संबित जी के पास है, मेरे पास थोड़ी है, मैं सत्ता में थोड़ी हूँ, सत्ता में जो है जिसके पास एजेंसी है, जिसके पास पॉलिटिकल विल है, जिसके पास एजेंसी है, जिसके पास फोर्स, मेरी बात सुनिए,
वो ऐसे लोगों को एक्सपोज करें, ऐसे लोगों को एक्सपोज करें उनको। मैं तो कहता हूँ ऐसे लोगों को एक्सपोज करो, उनको पुट दे बिहाइंड बार्स। आप एक्नॉलेज तो करिए, हाँ होती है। उनको पुट दे, मैं तो कहता हूँ ऐसे लोगों को एक्सपोज। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, 30 साल से कह रहा हूँ, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, ओवरग्राउंड वर्कर्स, गुरमीत सिंह ओवरग्राउंड वर्कर्स, पॉलिटिकल उस लेफ्ट गुरमीत सिंह, उसके बाद ललित अंबर जी 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 गुरमीत सिंह, वही जिस बात का जिक्र अभी मैं उनसे कर रहा था, ये जो हम तस्वीरें देखते हैं, पॉलिटिकल बैकिंग तो होती है, तभी इन लोगों की हिम्मत बढ़ती है, हौसला बढ़ता है और आतंकवादियों का महिमा मंडन होता है एंटी इंडिया एक्टिविटीज करने पर। एक पार्टी के जो पूर्व अध्यक्ष और बड़े नेता उनको बढ़ावा देते हैं, शाबाशी देते हैं ऐसे फोटोग्राफर्स को, फिर हम ऐसी तस्वीरें देखते हैं। पॉलिटिकल बैकिंग होती है, हाँ या ना? बिल्कुल आपने ठीक बोला। देखिए ऐसा है कि जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो टेररिज्म के एजेंडा, बायस, प्रोपेगेंडा और ये साइकोलॉजिकल और माइंड वॉरफेयर के मेंबर हैं और जो एंटी नेशनल है, वो देते हैं तूर इन चीजों को। वो चाहते हैं कि सिचुएशन खराब हो। इट इज बिकॉज ऑफ देम। इनफैक्ट एक बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि जो टेररिस्ट है उसको सिक्योरिटी फोर्सेस बिल्कुल खत्म करेंगी, चाहे वो कुछ भी बोले। और बड़ी बात ये है, ये लड़ाई है सोच और विचार की, ये लड़ाई है देश की, ये चैलेंज और थ्रेट है देश को, और इसके जो बरखिलाफ बात करेगा उसकी ये देश, उसका हमारा जो नेशन और समाज और सिटीजन बिल्कुल नहीं सुनेंगे। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम इनका बहिष्कार करें। ऐसी सोच, ऐसा विचार, ऐसे ओवरग्राउंड वर्कर, ऐसे इंटेलेक्चुअल, ऐसे न्यूज़पेपर, ऐसे जो लोग बोलते हैं, जो एंटी नेशनल बातों को एक शह देते हैं, जिनका एक एजेंडा है, जो पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई और टेररिस्ट ग्रुप के इशारे पर चलते हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान बोल रहा है, जो आईएसआई बोल रहा है, वही अगर कोई इंसान बोले तो अवश्य ये वही रूप है जिस रूप में ये उनके साथ दे रहे हैं। ललित अंबरदास, और ये सब देश के लिए चैलेंज है। ललित अंबरदास, आप इनको पूछ रहे थे कि आप ये आतंकवादी होने का, दहशतगर्द बनने के इनके कारण पूछ रहे थे। इनको पूछिए, जब तुम लोगों ने 30 साल पहले अनाउंस कर दिया यहाँ क्या चलेगा निजाम है मुस्तफा, ऐ कश्मीर के कश्मीरी हिंदू यहाँ पे रहना है तो या तो मुसलमान बनो या तो यहाँ से भाग जाओ और अपनी औरतें आके छोड़ के जाओ। उन हिंदुओं ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, उन हिंदुओं ने तुम्हारा क्या बिगाड़ था जिन्होंने, जिनका तुम लोगों ने मास रेप, मास मर्डर और चुन चुन के कत्ल कर दिया, बेरहमी के साथ मार दिया। उनको पूछो गिरजा तुकु ने तुम्हारा क्या किया था, उसको रेप करके आरे की मशीन के ऊपर काट के दो हिस्सों में कर दिया, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। और दूसरी बात, वजह एक है, ये जो वापी सुन्नी जहादी दहशतगर्दी दुनिया भर में है वो वजह है। वो जो मोहम्मद बिन कासिम को क्या वजह थी हिंदुस्तान पे हमला करने की, बाबर को हिंदुस्तान पे हमला करने की और कब्जा करने की क्या जरूरत थी, अब्दाली जो बार बार आता गया तबाह करके गया हिंदुस्तान को, हमारे गुरु ने कुर्बानी दी, एक एक गुरु शहादत पे गया, छोटे बच्चे साहिबजादे हमारे चुनने गए दीवारों में, उनको क्या वजह थी। तो मैं बताता हूं उनकी नजर, ये जो दहशतगर्दी कश्मीर के अंदर है ये कश्मीर के लिए नहीं है, बार बार बता रहा हूं हिंदुस्तान को सूटना पड़ेगा, इनकी नजर दिल्ली के लाल किले पे है, ये इस लाल किले को तैमूर और बाबर की सल्तनत मानते हैं, अपनी औकात इनकी वहां पर है। और दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं संबित पात्रा जी, आप ये जो ग्लोरीफाई हम कर रहे हैं मार्टिरडम को, ये यहां नहीं रुकना चाहिए, शहादत तब होगी जब ये कश्मीर जहाद का जो वॉर थिएटर है आप एलओसी के पार ले जाएंगे, आप वहां पे पीओके को आजाद कराएंगे, आप गिलगित बल्तिस्तान को आजाद कराएंगे, ये ऑब्जेक्टिव दीजिए फौज को, आज दे दीजिए फौज को। मैं उम्मीद करता हूं जो आपने अगस्त लास्ट ईयर में 370 और 35 से हटा के नरेंद्र मोदी ने जो पॉलिटिकल ताकत दिखा दी है उसको लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाओगे, कश्मीर जहाद का जो वॉर थिएटर है ये पाकिस्तान में जाएगा, पाकिस्तान को ब्लीड कीजिए, बलूचिस्तान को आम आवाज दे दीजिए उनको समर्थन की, सिंध को आवाज दे दीजिए उनको आजाद होने की, तब आपको माना जाएगा, नहीं तो कश्मीर जहाद हमारे हमारे मेजर हमारे कर्नल मारे जाएंगे। ये कोई शहादत है अपनी जमीन के ऊपर अपने ही लोगों को बचाने के लिए हम शहादत दे रहे हैं, इतने बड़े बड़े अफसर, पांच हमारे मरते हैं उनके दो मरे, $100 का एक चादी पड़ता है उसको मारने के लिए हमने पांचों की शहादत दी, ये कौन सी शहादत है। अरे शहादत वो है जो मैं उनको वहां जाके मारूं, मुझे भर्ती कराओ फौज के अंदर, मैं दिखाऊंगा कि बंदूक किसके ऊपर उठानी होती है। आप प्लीज
मेरे फौजी बहुत कीमती हैं, ये पाकिस्तान के फौजी नहीं है, अपने फौजियों को कारगिल में छोड़ के गए वहां पे, उन जिनका नमाज जनाजा हिंदुस्तानी फौजियों ने किया वहां पे। आपको पूरा करना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी से अपील है मेरी, आप ये देखें कि दहशतगर्दी क्या है, मानसिकता क्या है, दुनिया भर में आजकल कोरोना के ऊपर जंग है, इन लोगों ने हमारे ऊपर एक और जंग थोप दी है कश्मीर के अंदर, हमें इन लोगों को भी बचाना पड़ रहा है। तभी कश्मीर का मसला हल नहीं हो सकता इस तरह से, कभी कश्मीर का मसला नहीं है, तुम्हारा मसला सिर्फ यह है कि तुम्हारे को जहाज में बिठा के, ट्रक में बिठा के, एक समुद्री जहाज में बिठा के कराची में पहुंचा दिया जाए, जहां तुम्हारे आका लोग बैठे हुए हैं वहां पे, क्या लगते हैं तुम्हारे वो हाफिज से, क्या लगता है तुम्हारा, तुम्हारा भुट्टा जो बैठा हुआ है अमीर है कश्मीर जहाज, क्या लगता है तुम्हारा, बार बार बोलता है वो क्या लगता है, यासीन मलिक जिसको 30 साल पहले फांसी के फंदे पे होना चाहिए था, वो तुम्हारी सिविल सोसाइटी है, शर्म करो तुम लोग, इसीलिए तो अरे शर्म करो, नहीं तो नाइको और यही लोग पैदा करोगे तुम लोग, नाइको ही पैदा करोगे और मातम मनाते रहोगे, तुम्हारे जैसे लोग ने कश्मीर को बर्बाद करके रख दिया। और सुनो, लेफ्टिनेंट फयाज भी कश्मीरी में है, लेफ्टिनेंट फयाज कश्मीरी है, वो तुम नहीं कश्मीरी हो, तुम लोग पाकिस्तान के टटपुंजी हो, जहादी हो, वहाबी हो, कश्मीर 5000 साल पुरानी विरासत है हिंदुस्तान की, याद रखना, लेफ्टिनेंट फयाज कश्मीरी है और राइफलमैन औरंगजेब कश्मीरी है, तुम लोग कश्मीरी नहीं हो, तुम लोग कश्मीरी नहीं हो, 500 साल पहले आके कब्जा कर लिया कश्मीर के ऊपर, कश्मीर के ठेकेदार बन गए, कश्मीरी हो गए, सफेद गोरा मुंह, अरे वो लोग, वो काय लोग थे तुम लोग, तब भी तलवार से डर गए थे और अपना ईमान और धर्म बदल दिया, अरे मुझे गर्व है अपने लोगों पे, जो तुम्हारे खौफ से 700 साल से तुम लोगों ने हमारे पास जो जबरन किया ना वहां पे, उसका तुम्हारा अभी पूरा उल्टा होने वाला है, याद रखना, ये 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का कश्मीर है, ये तुम्हारे वहां पर तुम्हारा वो शामीर अपने सिर के ऊपर नहीं लेके आया था वहां से, ये याद रखना, कश्मीर हिंदुस्तान की विरासत है, हजारों सालों की संस्कृति का फाउंटेन है कश्मीर, बहुत शहादत दी हिंदुस्तान ने कश्मीर के लिए, भूल जाओ, अपने आंखें उठाओ और जाना है तो कश्मीर से, हम तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे पर रहम करता हूँ, एक तरफा टिकट खरीदता हूँ, तुम्हें पाकिस्तान भेजता हूँ, तुम्हारे देखिए माजिद, अब ये तो एक तरीके से ऑल आउट वॉर वाली सिचुएशन है, आपको तय करना पड़ेगा ना, आप इधर या उधर, आप तय कर लीजिए, आपके लिए भी आसान हो जाएगा, अगर आपका मन वहां अटका है तो वहां, यहां तो यहां, ये बीच में लटक नहीं सकते ना, आप क्या हाल है आप जानते हैं, आप तय कर लीजिए आप किधर के हैं, आप जैसे लोगों को, जैसे माजिद हैदरी चले गए, उनके लिए नायकू भाई था उनका, आपके लिए भी नायकू भाई है क्या आपका, बच्चों को पढ़ाई की तरफ जो है उनकी जो तवज्जो नहीं कर पाएंगे, इस तरह से हम कश्मीर के अंदर कभी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकेंगे, अगर अमरदार जी जैसी पॉलिसी करें, और इनकी नियत ही नहीं लगती है, ये कश्मीर में अमन लाना चाहते हैं, जिस तरह की ये अमन के लिए ही तो मारा नायकू को, आपके लिए ये नायकू को, आपके अमन चैन के लिए तुम्हारा, कश्मीरियों का सबसे बड़ा दुश्मन था नायकू, जो मारा गया और शहादत का बदला लिया गया ना, आपके सैनिकों की शहादत हुई थी, आपको पता है आपके सैनिक शहीद हुए हैं, वैसे आपको माजिद शाह पता है आपके आपके सेना के कौन कौन से जवान शहीद हुए हैं, एक का भी नाम पता है आपको, माजिद शाह जो शहीद हुए हैं उनका नाम पता है आपको, उनके ऊपर गर्व भी है, नहीं गर्व है, नाम पता है कौन शहीद हुआ, शहीद में से किसी एक का नाम पता है आपको, ये कहना चाहता हूँ कि कश्मीर के अंदर भी तो जो प्रॉब्लम है, ये गर्व की नौटंकी ना करिए, माजिद शाह जो शहीद हुए किसी का नाम पता है आपको, सेना के जो जवान शहीद हुए इस वक्त हमारी टीवी स्क्रीन पर, आपको एक का नाम तक नहीं पता, कर्नल आशुतोष शर्मा, मेजर अनुज सूद, राजेश कुमार, अश्वनी यादव, आपको एक का नाम तक नहीं पता है, ये तो अभी तो आपको अब तय करना पड़ेगा, अब माजिद आप सलाह लीजिए, आप तय कर लीजिए, वरना जो आतंकवादी और उनके जो रहनुमा है उन तक भी पहुंचेगी सेना, समझिए, आपकी भलाई के लिए कह रहा हूं मैं। मैं आज बिल्कुल सहमत हूँ, जिस प्रकार का एक इमोशनल आज हमने देखा, अभी जो बताया गया कि हिंदुस्तान किस प्रकार आगे बढ़े, पीओके को ले लिए, ललित जी ने बताया, बिल्कुल वो बहुत इमोशनल भी हुए थे और ये वाजिब भी है।
मैं तो इतना ही कहूंगा, मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि कुछ समय पहले कोई सोच ही नहीं सकता था कि आर्टिकल 370 भी हटेगा, 35A भी हटेगा, कोई सोच भी नहीं सकता था कि सर्जिकल स्ट्राइक भी होगा, एयर स्ट्राइक भी होगा, ये सब भी हुआ है। और समय के साथ साथ जो आपकी इच्छाएं हैं कि हम पाकिस्तान को एक पाकिस्तान को एक सजा दे, पाकिस्तान को सजा जरूर मिलेगी। देखिए, जहां तक शाह साहब आपका सवाल है, मैंने बहुत विनम्रता के साथ कहा, कश्मीरी किसी का दुश्मन नहीं है, हिंदुस्तान का कोई बैर कश्मीर से नहीं है, हम सब अभिन्न अंग की तरह रहते हैं, कोलैटरल डैमेज नहीं हुआ। और आपको यह भी पता हुआ होगा कि आर्मी के बड़े अधिकारी यहां बैठे हैं, इन्फॉर्मेशन जो लीक किया गया कि वो कहां है रियाज नाइक, ये कश्मीर के लोगों ने तो दिया इन्फॉर्मेशन, जो अमन पसंद लोग हैं कश्मीर के, जो चाहते हैं कि वहां आतंकवाद ना हो, जो चाहते हैं कि गांव में दहशतगर्दी ना हो, तो वहां के लोगों ने ही इन्फॉर्मेशन दिया। सुनिए ना, वहां के लोगों ने ही तो इन्फॉर्मेशन दिया ना, आपके भाइयों ने ही इन्फॉर्मेशन दिया कि ये देखो नायकू यहाँ आया हुआ है, आज घर पे आया हुआ है, छोड़ना नहीं उसको। तो जो अमन पसंद लोग कश्मीर के हैं वो नहीं चाहते हैं कि वहां दहशतगर्दी हो, और जो लोग दहशतगर्द चाहते हैं उनका हश्र अच्छा नहीं होगा, किसी भी देश में जहां कानून का राज है वहां अच्छा नहीं होगा। मैं अंत में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, और बहुत ही दुखी मन से कहना चाहता हूं, ये कोई एक छोटा सा नेक्सस नहीं जो कश्मीर में ही काम करता है, ये एक वैश्विक स्तर का नेक्सस है। आप सोचो ना, पुलित्जर अवार्ड आपने कभी सोचा है कि वो जो छोटी सी लड़की जोहरा जिसका नाम था, जिसके पिता को आतंकवादियों ने मार दिया था, वो रो रही है अपनी माँ की पल्लू को पकड़ करके, जब उनके पिता का जो जम्मू कश्मीर के पुलिस में काम करते थे उनका फ्यूनरल हो रहा था, वो रो रही थी, कभी उस फोटो को पुलित्जर अवार्ड मिला? कभी इतने, कभी आशुतोष का, अभी कर्नल आशुतोष शर्मा जी के मैं आप बारे में आप बता रहे थे, उनकी पत्नी के उनकी पत्नी की शीलता जो हम सबने टीवी पर देखा, उस तस्वीर को कभी पुलित्जर अवार्ड मिल सकता है? नहीं। पुलित्जर अवार्ड उन्हीं लोगों को प्रोत्साहित करता है जो पत्थरबाजी करते हैं, जो आगजनी करते हैं, जो पाकिस्तान के झंडे को फहराते हैं। तो ये बहुत बड़ा नेक्सस है, और हम सबको मिला इस नेक्सस को तोड़ना है। एके सिवाज, और ऊपर से सेना ने तो कश्मीरियों की जान बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी हंदवाड़ा में जो हुआ, आम कश्मीरियों की जान ना जाए इसलिए सेना ने अपना सीन आगे किया, 5 जवान जो शहीद हुए जो हंदवाड़ा में हुआ, बल्कि नायकू के केस में भी ऐसा ही था, हॉस्टेजेस बनाया हुआ था। सेना चाहती जैसा कि दूसरे देशों में होता है, आम कश्मीरियों को बचाया गया ना, लेकिन पहले आतंकवाद को कैसे ग्लैमराइज करने की कोशिश और उस तरफ नहीं बढ़ा जाना चाहिए, वो जो सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने क्या कहा था, वो एक बार हम सुन लेते हैं, फिर आपको आगे डिबेट में आगे बढ़ाएंगे। क्रिएटिंग अ मोर देन लाइफ साइज इमेज ऑफ अ टेररिस्ट और अ लीडर इज समहाउ विच इज एक्चुअली प्रोपोगेटिंग देम इनटू डेवलपिंग दिस काइंड ऑफ अ यू नो रैम्बो काइंड ऑफ एन इमेज। आई थिंक द मोर वी स्टे अवे फ्रॉम देम एंड वी एक्चुअली हाईलाइट देयर नेगेटिविटीज मोर, वी विल नॉट देन क्रिएट this ramboistic image about these people. They are nobody. They are just people who are spreading terrorism, creating mayhem, not allowing normalcy to return into the state. So creating a more than life-size... देखिए, अभी आपने जनरल बिपिन रावत को सुना, लेकिन अभी जिस चीज का संबित जिक्र कर रहे थे ना, कि ऐसी तस्वीरें भी हैं देश में कि उन तस्वीरों को क्या पुलित्जर अवार्ड मिलेगा, हमेशा राष्ट्र विरोधी तस्वीरें, आप सोचिए ना, जिसका भी संबित ने जिक्र किया, ये आप जो बच्ची रोते हुए देख रहे हैं ये तस्वीर 8 साल की जोहरा की है। जोहरा आपको बता दें जम्मू कश्मीर के एक शहीद पुलिसकर्मी की बेटी है। जोहरा के पिता अब्दुल रशीद शाह की 2017 में, ध्यान से सुनिए, 2017 में आतंकवादियों ने कश्मीर के अनंतनाग में गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस तस्वीर को मिलेगा कभी पुलित्जर अवार्ड? या जो एजेंडा चला रहे हैं, एंटी इंडिया एजेंडा चलाएंगे, जो कश्मीर को डिस्प्यूटेड टेरिटरी बताएंगे, जो पाक परस्त फोटोग्राफी करेंगे या जर्नलिज्म करेंगे, ये पुलित्जर अवार्ड उन्हीं के लिए है क्या? ये पिता एक दिन जरूर लौट कर आएंगे? मतलब हम लोग हमेशा सवाल उठते हैं, आतंकवादियों के मानवाधिकार हैं, आतंकवादियों का महिमा मंडन करने वाले लोग हैं, सेना का भी तो मानवाधिकार है, सेना का भी तो परिवार है, वो भी तो परिवार है, उनका क्या है, उनकी क्या स्थिति है, उस पर कोई पुलित्जर अवार्ड मिलेगा क्या? जनरल रिटायर्ड मेजर जनरल एके सिवाज सर, बिल्कुल ठीक बोला अमन, ये एक बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि वो फौज जो अपनी जान की परवाह ना करते हुए कश्मीरियों का, जैसे आपने बताया कि ये ऑपरेशन जो अभी हुआ था हंडवारा के अंदर, कर्नल आशुतोष शर्मा और मेजर अनुसूद बिना किसी कोलैटरल डैमेज के अपनी जान लुटा दी कश्मीरियों को बचाने के लिए, ये है कश्मीरियत और यह है भारत की फौज का स्टैंडर्ड। इसी प्रकार से जो अभी बात कर रहे थे
कि इसको ग्लोरीफाई मत करो टेररिज्म को, क्योंकि अगर हम इन टेररिस्टों को बहुत बड़ा पदवी देते हैं तो एक प्रकार से कहीं ना कहीं ग्लैमराइज करते हैं। अब ये रियाज नाकू जो था एक बहुत बड़ा टेररिस्ट था, इसने काफी पुलिसमैन और काफी सिविलियंस को मारा, तो ये एक ऐसा आतंकवादी को मौत के हाथ जाना ही जाना था। और आज जो बता रहे हैं कि इसकी खबर भी उसके सोर्सेज ने दी, सिविलियन ने दी, वो नहीं चाहते अपने बच्चे रेडिकलाइज हो, समझने की जरूरत है। तो एक प्रकार से आज की तारीख में ये कश्मीरियों के दुश्मन माजी शाह, ये कश्मीरियों के दुश्मन है। ठीक है, 30 सेकंड समय मुझे वाइंड अप करना, जल्दी से 10 सेकंड जल्दी से आप कुछ कहना चाहते हैं। बड़ी बात, देखिए आप भी एक एंकर हैं, आप एक जर्नलिस्ट हैं, देश में कई ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो दो बेडरूम के फ्लैट के लिए अपने जमीन को बेच देते हैं और इस प्रकार के जिहादिस्ट पैसे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ये जो पेट्रो डॉलर का एक बहुत बड़ा नेक्सस है, इसके ऊपर डिपेंड रहते हैं। जब तक ऐसे लोगों को हम चिन्हित करके एक्सपोज नहीं करें, तब तक ये मैथमेटिक्स टीचर और हेडमास्टर बनाते रहेंगे। ठीक है, समझ गए शंबर दयाल, जल्दी से। देखिए, मैं जल्दी से बात कहना चाहता हूं कि एक बात बिल्कुल ध्यान रखो, जिस किस्म से आज जम्मू एंड कश्मीर में लोग दोबारा से आतंकवाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको हमें एज ए स्टेट पावर बिल्कुल एलिमिनेट करना है। और ये बात मैं बताऊं, 1947 से, आज से नहीं, 1947 से भारतीय सेना जम्मू एंड कश्मीर में सिर्फ अपने नागरिकों की हिफाजत कर रही है, जिनके खिलाफ पाकिस्तान ने और ISI ने पूरी मुहिम छेड़ रखी है। जो उनकी मदद करता है उनको समाज से निकाल दो, उनको बाहर फेंक दो। ये पहले तो सेना को साबित करने की जरूरत नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, कश्मीरी जानते हैं, कश्मीरियों का सबसे बड़ा दुश्मन ये नायकू था जो मारा गया। नंबर तीन, सेना चाहती तो वो जो एस्टेब्लिशमेंट था उसको उड़ा सकती थी, लेकिन कश्मीरियों की जान बचाई अपनी जान देकर सेना ने। शुक्रिया समित पात्रा आपका, माजिद आपका, ललित अंबरदार, इसके अलावा गुरमीत सिंह जी आपका भी शुक्रिया, AK सिवाच और जितने भी मेहमान मेरे साथ जुड़े आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ताल ठोके देख रहे थे आप, लेकिन जी न्यूज क्या मानता है कि आतंकवादियों का महिमा मंडन जो है वो बर्दाश्त नहीं होगा। जी हाँ, कश्मीर के स्वघोषित ठेकेदार राष्ट्रहित में काम करें, एक तरीके से सलाह भी है और चेतावनी भी। राष्ट्रहित जो ठेकेदार है ना स्वघोषित, वो राष्ट्रहित में काम करे, आतंक की गोली चलाने वालों से हमदर्दी बिल्कुल ठीक नहीं। नो सिग्नल नो वरी प्रेजेंटिंग जी न्यूज ऐप विद लाइव टीवी, लेटेस्ट अपडेट्स एंड एक्सपर्ट ओपिनियन, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।